अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करने लगा हूँ आपके सामने। हमने अभी थोड़ी देर पहले ने इंटरव्यू लिया कुछ भाइयों का, तो हमारा सवाल मेन यही था, लेकिन ये हम सवाल आगे भी लेकर जाएंगे। मैं ये अपनी ज़ात से भी पूछता हूँ और आपसे भी मैं ना यही सवाल करता हूँ कि अगर इसी हालत में, इस पोजीशन में हम चले जाएं, हम मर जाएं, अल्लाह के पास चले जाएं, तो हमारी सिचुएशन क्या होगी, क्या हालत होगी। दूसरा सवाल ये कि अगर हम अल्लाह के रसूल से हमारी मुलाकात हो जाती है, हम मिलते हैं अल्लाह के रसूल को, तो क्या हम कह सकेंगे अल्लाह के रसूल को, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे अल्लाह के रसूल को, क्या कहेंगे। मैंने वही भाइयों से ये सवाल किया और यही सवाल मैं अपनी ज़ात से भी करता हूँ और यही सवाल मैं आपसे भी करता हूँ कि अगर अल्लाह के रसूल हमें मिले तो सारी कायनात का सरदार नबी है, चूँकि रवी अव्वल चल रहा है, तो ये हमें अपने आप से सवाल पूछने चाहिए, तो हम अल्लाह के रसूल को क्या कहेंगे, क्या उनका सामना कर पाएंगे, हम उनके सामने पेश हो सकेंगे, क्या हमारी माएँ बहनें जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के सामने पेश हो सकेंगी, कैसे सामने आ सकेंगी, जो आज की हमारी माएँ बहनें पर्दा ही नहीं करती, कैसे आएंगी सामने। और हम क्या, हम जो बेनमाजी हैं, नमाजें नहीं पढ़ते, हम अल्लाह को टाइम नहीं देते, दुनिया के सारे मामला चल रहे हैं, पूरी सोसाइटी चल रही है, सारा कुछ और है, लेकिन हम क्या अल्लाह के सामने, अल्लाह के रसूल के सामने पेश हो के क्या कहेंगे, क्या कहें। घर के अंदर एक फ़र्द अगर वीडियो देखता है तो सारे घराने को पूछे कि अगर आपकी मुलाकात अल्लाह के रसूल से होती है तो क्या कहेंगे आप।